जिले में हो रही वारदातों को कंट्रोल करने में फेल रही पुलिस अब नौगछिया में महिलाओं की सुरक्षा करेगी। हाल ही के घटनाओं में खाली रहे पुलिस के हाथ अब नौगछिया के 5 थानों में महिलाओं की रक्षा करने को उठेंगे। महिलाओं की समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। इसके लिए नौगछिया टाउन थाना में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत SP सुशांत कुमार सरोज ने फीता काट कर की। इस दौरान SDPO दिलीप कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर मार्केंडे सिंह, टाउन थानेदार शैलेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे, जहां SI किरण सिंह, सिपाही स्नेहा प्रिया और रिया सिंह आने वाली पीड़ित महिलाओं की समस्या को कलमबद्ध करेंगी। नौगछिया SP सुशांत सरोज ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और पुलिस जिले के नौगछिया टाउन थाना, SC/ST थाना नौगछिया, गोपालपुर थाना, खरीक थाना के साथ बीपुर में महिला हेल्प डेस्क को बनाया गया है, जहां एक पुलिस अफसर और 2 महिला कांस्टेबल की तैनाती होगी। फिलहाल पुलिस अफसर की कमी के कारण 3 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहां SP ने बताया कि महिला हेल्प डेस्क बनाने से महिलाओं को बड़ी राहत होगी। महिलाएं बेझिझक अपनी शिकायत थाने में आकर कर सकेंगी। कई बार पुरुष अफसरों के सामने महिलाएं बेहद सहज नहीं हो पाती, उनकी यह परेशानी महिला हेल्प डेस्क होने से कम हो जाएंगी। उनकी रिपोर्ट और समस्याओं को सुनने के बाद पुलिस के लिए काम करना बेहद आसान होगा और पुलिस जल्द कार्रवाई कर सकेगी, जिससे पीड़ित महिलाओं को जल्द न्याय मिल सकेगा। देखिए, पुलिस मुख्यालय के आदेश से नौगछिया पुलिस जिला में 5 थानाओं में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जहां पर के प्रत्येक थाना में अलग से 1 पुलिस पदाधिकारी, 2 पुलिस महिला सिपाही या जहां पदाधिकारी कमी है वहां 3 पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो महिलाएँ थाना में आती हैं कभी कभी वो पुरुष पदाधिकारी से सहजता से अपनी बात को नहीं रख पाती हैं, जिससे ये फायदा होगा कि महिलाएं अपनी बात को सहजता से रख सकती हैं और पुलिस महिला पदाधिकारी जो है, यानी पुलिस महिला कर्मी है, वो भी एक ढंग से सुनेगी बात को, ताकि उन्हें भी जो पीड़िता है उसे न्याय महसूस हो, हमें न्याय मिल रहा है, क्योंकि पीड़िता का बात सुनना, बात को समझना प्रथम न्याय ही होता है। ये कहाँ कहाँ पर स्थापित हुआ है सर? ये देखिए, 5 जगह है। एक तो आदर्श थाना नौगछिया है, दूसरा SC/ST थाना है, तीसरा गोपालपुर है, चौथा खड़ीक है, पांचवा भी। आपको बता दें कि यह वही नौगछिया है जहां 1 माह से भी कम समय में बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब महिला डेस्क के बहाने महिलाओं के उत्थान और उन्हें न्याय दिलाने के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको ले चलते हैं नौगछिया में हाल के दिनों की चर्चित घटनाओं पर, जिन्होंने नौगछिया पुलिस को दागदार किया है। तारीख 11 जनवरी, नौगछिया के इस्माइलपुर अंचल कार्यालय में बदमाशों ने इतना भय दिखाया कि उस दिन दफ्तर ही नहीं खुला। पूरा दिन कर्मचारियों में दहशत का माहौल रहा। कुख्यात पप्पू यादव ने अंचल कार्यालय में हथियार लहराया। उसने कर्मचारियों को गाली दी, जान से मारने तक की धमकी दी। डरे हुए कर्मियों ने सीनियर अफसरों को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन दफ्तर शनिवार को भी नहीं खुला। तारीख 14 जनवरी, जहां बेखौफ बदमाशों ने रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी में देर रात मनीष नाम के युवक को गोली मार दी, जहां मनीष नशे में धुत अपराधी निशांत को उधम मचाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। तारीख 26 जनवरी को नौगछिया में बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने कटरिया रेलवे स्टेशन के पास पहुंच पथ पर वारदात की घटना को अंजाम दिया था। यहां भी हत्या कर सभी हमलावर भाग निकले थे, जबकि घटना की जानकारी रंगरा OP पुलिस के साथ नौगछिया GRP को भी मिली थी। तारीख 27 जनवरी, कदवा OP क्षेत्र में कुख्यात अपराधी खोखा सिंह की बाइक सवार हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन अब तक कोई सफलता या सुराग तक नहीं मिला। और यह घटना तारीख 5 फरवरी की है, जब पकड़ा मुखिया अशोक शर्मा के बेटे गौरव को बदमाश ने उसके घर के पास ही भरी दोपहरी में गोली मार दी। गुंडे मुखिया से रंगदारी मांग रहे थे और पंचायत चुनाव में खड़े ना होने की बात भी कह रहे थे। मुखिया के विरोध में बदमाशों ने उसे डराने के लिए उसके बेटे को गोली मार दी। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली ही हैं। बहरहाल पुलिस का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन सवाल है कि आखिर पुलिस के इस तंत्र में क्या नौगछिया पूरी तरह सुरक्षित है? खबरें आप तक लाइव के लिए नौगछिया से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।